वेलकम टू माई चैनल। आज मैं लास्ट चैप्टर 16 लेसन का जितने भी एमसीक्यू अलग अलग प्री बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी को एक ही वीडियो में ला कर मैं सॉल्व किया हूँ। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देखते हैं। एसोसिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। लार्ज डैम कौन सा प्रॉब्लम एसोसिएट होता है? लार्ज स्केल प्रोफिलर क्रॉस, यस लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय। यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों ही आपका जो है इसका प्रॉब्लम एसोसिएट लार्ज डैम के साथ ये प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने वाले टर्म को ढूंढना है। तो प्लान ग्रोथ विथ मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद दूसरा ग्रोथ डेट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर, ये भी जो है उसको एक्सप्लेन करता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। विच प्रॉब्लम अराइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम? बिग डैम बनाने से इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है? तो सोशल प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, चार तीनों प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है। तो जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड थ्री आर। थ्री आर आर में रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज है, तो रीजनरेशन नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट। लार्ज डैम बनाने में कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है? तो लार्ज डैम बनाने में सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, रिलीजियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का फोर्स में आया था, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट। सरदार सरोवर डैम जो है किस रिवर पर बना है? तो सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर बना है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पर्पोज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू यूज इरीगेशन, कल्चर ऑफ फिश, यूज ऑफ वॉशिंग क्लोथ, रिजर्व ग्राउंड वाटर। यस रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेन सोर्स है रिजर्व ग्राउंड वाटर। तो डी नंबर ऑप्शन जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थ्री आर, तो करेक्ट सीक्वेंस है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, जो बी नंबर ऑप्शन दिया है करेक्ट। यहाँ पे आपको राजस्थान का जो है खादिन्स, मध्य प्रदेश का बुंदीज, बिहार का आहार और केरला का स्वर्णगांस, ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बताना है चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड बाय अमृता देव देवु देवी बिश्नोई, जो ए नंबर ऑप्शन है। बताना है गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 1985, जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बताना अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाई हर लाइफ टू प्रोटेस्ट द खेजड़ी ट्री, जो बी नंबर ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो इफ यू पेंट ए ओल्ड चेयर टू मेक ए न्यू, यू आर रिकवरिंग इट, तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम है लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डैम। तो दूसरा जो दिया हुआ है रीजन, लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज इन हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर होगा कूल्स, जो ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। टर्म जो है स्टेटमेंट जो है रिवर डैम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है,
तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन है कि रिवर डैम जो है इको फ्रेंडली होता है, ये रिवर डैम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ में नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज अबाउट टू प्रोटेस्ट द रेजिंग हाइट ऑफ हुज डैम, सरदार सरोवर डैम, जो सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट होगा। ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, सोइल वाटर एयर इलेक्ट्रिसिटी, इन चारों में से इलेक्ट्रिसिटी जो है नेचुरल रिसोर्स नहीं है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट जो क्यों स्टार्ट था, ड्यू टू द रेजिंग द हाइट ऑफ डैम, यस, सोशल इशू, ड्यू टू क्लाइमेट इशू, ड्यू टू इकोनॉमिक इशू, यहाँ पे जो होगा ड्यू टू रेजिंग द हाइट ऑफ डैम, जो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट।